पानी का समस्या बहुत मुश्किल है इस गांव में। पूरा पानी सूख गया है और पीने का पानी भी नहीं है और आदमी लोग नहाने का भी, आदमी से लेकर के मवेशी तक पानी का तकलीफ हो रही है। इस गांव में खराब चापाकल कितना है? इस गांव में खराब चापाकल 7 हुआ है। कहाँ का पानी पीते हैं? अभी मैंने कुआं का पानी पीते हैं और कुआं का पानी भी अभी सूख गया है, बहुत हल्का फुल्का पानी है, उसी से जी रहे हैं हम लोग। इन खराब चापाकलों को लेकर के आपका क्या सोच है? जितना भी जल्दी अगर चापाकल बने तो बहुत अच्छा रहेगा। और आवेदन सब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, पूरा लिस्ट बना के ले जाता है वार्ड जी। जो तालाब में पानी है वो भी सूख गया, वही पानी भी अभी पी रहे हैं जानवर लोग। और नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? नहाने के लिए जो हम लोग अभी चूहे से ला रहे हैं वही पानी से हम लोग नहा रहे हैं। पूरा गांव की, पूरा गांव में ही ऐसे सब चूहे का पानी से ही पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। एक महीने के अंदर अगर बारिश नहीं किया तो चूहे का पानी खत्म होने का संभावना है, इसलिए खराब पड़े चापाकलों को जल्दी से जल्दी मरम्मत किया जाए। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि PSD पदाधिकारी खूंटी, जिसका नाम चंद्रशेखर, मोबाइल नंबर 94 30 51 21 91 पर कॉल कर इन समस्याओं पर पड़े लोगों को समस्या से अवगत करा दे। मैं बसंती, खूंटी जिला झारखंड से, मीडिया नट के लिए।